दोस्तों मैं भी कास्ट ओली यूट्यूब पे अपनी सेकंड वीडियो लेके आया हूँ यूएस ओपन 2023 के। ये भी सेकंड राउंड के रिगार्डिंग वीडियो है दोस्तों। जो आज के दिन की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं यूएस ओपन में, जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पिछाड़ा है और धीरे धीरे अपनी फॉर्म वापसी ला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टैन वावरिका की दोस्तों। स्टैन वावरिका का मैच था टॉमस मार्टिन एचवरी के साथ और दोनों प्लेयर्स ने बढ़िया मैच खेला, बट इन द एंड जो विक्ट्री हासिल हुई है वो फॉर्मर चैंपियन और अभी हाल ही में एचवरी के खिलाफ जीते थे मैच, उनके खिलाफ विंबल्डन में जीते थे और इस बार भी जीते हैं बढ़िया तरीके से दोस्तों। इन दोनों ने प्रदर्शन अच्छा किया बट वावरिका ने विक्ट्री हासिल की है दोस्तों। ATP रैंकिंग 49 है स्टैन वावरिका की और एचवरी की ATP रैंकिंग 34 है। जो मैच जीते वावरिका चौथे सेट तक मैच जीते और बढ़िया प्रदर्शन किया है। पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग आपको तुरंत के तुरंत मिल सके दोस्तों। फिलहाल अगर मैं पहले सेट की बात करूँ तो पहले सेट में शुरुआत दोनों प्लेयर्स की अच्छी रही, बंधन रहा 2-2 रहा, उसके बाद 3-3 रहा, फिर सर्विस गेम ब्रेक की एचवरी ने। लग रहा था कि एचवरी ये पहला सेट अच्छा दावेदारी पेश करेंगे और जीतेंगे, बट स्टैन वावरिका तुरंत ब्रेक बैक की, 4-4 की अपनी सर्विस गेम पे होल रखा, 5-4 हुआ, फिर 5-5 हुआ, फिर 6-6 हुआ, फिर आ गया टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में मिनी ब्रेक काफी हासिल की थी वावरिका ने और सारी मिनी ब्रेक को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए थे और वो उनके पास मिनी ब्रेक की वजह से सेट पॉइंट आ गए थे काफी सारे, बट एचवरी ने सारे सेट पॉइंट सेव किए। उसके बाद 7-6 किया और 8-6 से टाई ब्रेकर था जो सेट पॉइंट था वो फाइनली कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। एचवरी ने 3 सेट पॉइंट सेव किए थे बट चौथा सेट पॉइंट सेव नहीं कर पाए। अगर मैं सेकंड सेट की बात करूँ तो सेकंड सेट भी बढ़िया तरीके से मैच हुआ है, बढ़िया मैच हुआ है। 1-1 रहा, 2-2 रहा, 3-3 रहा, 4-3 हुआ, फिर सर्विस गेम ब्रेक की, 5-3 किया। लग रहा था कि एचवरी इस बार भी जीत जाएगी आसानी से, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वावरिका ने जैसी सर्विस गेम ब्रेक की वैसे ही सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल रखा और इस बार भी 6-6 पे आ गया टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में इस बार एचवरी ने मिनी ब्रेक पहले हासिल की और जिसकी वजह से वो सेट पॉइंट लाने में कामयाब हुए, बट वावरिका ने सेट पॉइंट सेव किया। फिर वावरिका के पास सेट पॉइंट आया, फिर एचवरी ने सेव किया, फिर एचवरी के पास सेट पॉइंट आया, उन्होंने फाइनली कन्वर्ट किया, 9-7 से टाई ब्रेकर जीता और पहला सेट जीता अपना और 1-1 सेट से बराबर हो गया ये मैच। थर्ड सेट की बात की जाए तो थर्ड सेट में बढ़िया प्रदर्शन किया स्टैन वावरिका ने, अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रख ही रहे थे, एचवरी की सर्विस गेम इस बार ब्रेक भी की, 1-1 2-1 हुआ, उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक भी की और पहला सेट विदाउट टाई ब्रेकर दिया और 6-3 से स्टैन वावरिका ने ये सेट जीता। उसके बाद फोर्थ सेट की बात करें तो फोर्थ सेट एचवरी को जीतना था, अन्यथा वो हो जाते ये वाले राउंड से बाहर और वावरिका ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार एक नहीं दो बार सर्विस गेम ब्रेक की स्टैन वावरिका ने एचवरी की और मैच जीता बढ़िया तरीके से, 6-2 से ये सेट जीता और ये मैच जीता 3-1 से 8 सेट्स में, क्योंकि दोस्तों पहला सेट वो जीते थे, सेकंड सेट हारे थे इसलिए 3-1 से जीता। पहला सेट जीते टाई ब्रेकर में 8-6 से, सेकंड सेट टाई ब्रेकर में हारे 7-9 से, थर्ड सेट जीते 6-3 से, चौथा सेट जीते 6-2 से, बढ़िया प्रदर्शन किया। ब्रेक पॉइंट्स आए काफी बार, ब्रेक पॉइंट्स आए देखा जाए एचवरी के पास, ब्रेक पॉइंट्स पहले सेट में ब्रेक पॉइंट आया, सेकंड सेट में ब्रेक पॉइंट आया, कन्वर्ट भी किया, बट थर्ड फोर्थ सेट में ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी ओर देखा जाए स्टैन वावरिका ब्रेक पॉइंट पहले सेट में भी कन्वर्ट किया, सेकंड सेट में भी कन्वर्ट किया, थर्ड सेट में भी कन्वर्ट किया और फोर्थ सेट में दो बार कन्वर्ट किया, तो देखा जाए उनके 1-2-3 टोटल 5 ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किए, टाई ब्रेकर 8 जीता, दूसरे एचवरी ने भी टाई ब्रेकर 8 जीता। तो मेन ये जो मैच है तो वो टाई ब्रेकर की वजह से नहीं, ब्रेक पॉइंट की वजह से मैच दूं मैं। क्या लगता है दोस्तों वावरिका कैसा प्रदर्शन करेंगे अगले मैच में, क्योंकि जो अगला मैच होने वाला है उनका मैच होने वाला है अगला जैनी सिने के खिलाफ, जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं हाल ही में और वो चाहेंगे ऐसा बढ़िया प्रदर्शन कंटिन्यू रहे उनका थर्ड राउंड में भी। आप अपनी राय दें आपको क्या लगता है दोस्तों कैसा प्रदर्शन करेंगे और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।